हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। माय नेम इज़ प्रीति और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पेट लवर प्रीति में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या हम अपने रैबिट्स को रोटी या चावल दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो इसी क्वेश्चन का आज हम आंसर ढूंढेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, पहले हम ये जान लेते हैं कि क्या हम अपने रैबिट्स को रोटी दे सकते हैं। तो इसका आंसर है नहीं। जो रीज़न है वो भी मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए, जो रैबिट्स होते हैं वो रोटी नहीं खा सकते, क्योंकि अगर आप उनको रोटी देंगे तो रोटी से उनको खाने से क्या होगा, उनके पेट में दर्द होगा। तो वो तो दर्द हमें तो महसूस होगा नहीं, और उससे क्या होगा, उसको रोटी खाने से उसको लूज़ मोशंस भी लग सकते हैं। इसलिए तो उसको ये सब प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए आप उसे रोटी अगर आप खिलाते हैं तो आज से आप बंद कर दीजिए। और सेकंड पॉइंट है चावल। तो चावल भी आप अपने रैबिट्स को नहीं दे सकते हैं, क्योंकि चावल में भी सेम प्रॉब्लम है। अगर रैबिट्स जो हैं चावल खाएंगे तो चावल खाने से उनके पेट में बहुत ज़्यादा पेन होगा, और दूसरा क्या होगा जो कि हमें पता नहीं चलेगा, और उसको लूज मोशंस लगने के चांस हो सकती है। फ्रेंड्स, जो रैबिट्स का मेन डाइट है वो ओनली ग्रास और हे ही है, यानी सूखी घास और हरी घास ही उसका मेन डाइट है, और यही हमें देना चाहिए रोटी चावल के बजाय। ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स मैं रोटी चावल नहीं देती थी, तो मैं भी रोटी चावल देती थी, पर जब से मुझे पता चला कि ये जो रोटी और चावल है ये रैबिट्स को नुकसान करती है, तो उस टाइम से मैंने रोटी चावल देना बंद कर दिया है। तो आप भी अब से अलर्ट हो जाइए, अगर आप अपने रैबिट्स को देते हैं रोटी चावल तो आज से आप बंद कर दीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप अपने रैबिट से प्यार करते होंगे तो आप ज़रूर बंद कर देंगे उसको देना, क्योंकि फ्रेंड्स रैबिट्स तो अगर हम उनको देंगे तो वो खा ही लेंगे, अगर हम उनको नहीं देंगे तो वो नहीं ही खाएंगे। तो इसलिए आज से आप उनको देना रोटी चावल, या अगर आप देते हैं तो बंद कर दीजिए, अगर नहीं देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।